हेलो गाइस, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल आओ हिंदी सीखे। मैं हूं भारती जायसवाल और लेकर आई हूं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज क्लास 8 का आरडी शर्मा की बुक से कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। टोटल क्वेश्चन यहां पे 32 एंड 33 तक टोटल क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस वीडियो में मैंने केवल दो क्वेश्चन लिया है और यही दो लास्ट क्वेश्चन है 32 एंड 33। इसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। यहाँ क्या कह रहा है, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू -1। एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है और आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। इवेलुएट मीन्स आपको वैल्यू निकालना है। तो अभी तक हमने जितने भी इवेलुएशन किए हैं उसमें हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद वैल्यू पुट किया है और तब फिर वेरिफिकेशन किया है या फिर वैल्यू निकाला है। अभी आज हम क्या करेंगे, बिना प्रोडक्ट निकाले हम यहीं पे वैल्यू पुट करते हैं और इसे इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं 2 और x की वैल्यू डाल देंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। फिर y की वैल्यू है -1 तो -1 डाल दीजिए और इसको मिड ब्रैकेट में डाल दीजिए। फिर इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर इंटू -1 और फिर अपॉन में 4, ये भी हम मिड ब्रैकेट में डालेंगे क्योंकि इसके अंदर एक स्मॉल ब्रैकेट ऑलरेडी है। फिर यहाँ हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ठीक है। हमने यहीं पे वैल्यू पुट कर दिया है एक्स और वाई का। अब देखते हैं क्या निकल के आता है। यहाँ हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 और -1 यानी कि -4, ठीक है, और मल्टीप्लाई कीजिए। फिर यहाँ आएगा 2 2 जा 4 और -1 यानी कि -4 अपॉन में 4, ठीक है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और फिर इधर हो जाएगा आपका 1 प्लस का 1, ठीक है। चलिए इसे हम इससे कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि आंसर हमारा क्या निकल के आया, माइनस माइनस प्लस का 16, 4 4 जा 16, बस यही है हमारा आंसर। हमने वैल्यू निकाल दिया है, मतलब इवेल्युएट कर दिया है क्वेश्चन को, एक्सप्रेशन को। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का, कर लेते हैं इसे भी। इसे भी इवेलुएट ही करना है, यानी वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। तो हम यहाँ भी वैसे ही करेंगे, बिना प्रोडक्ट निकाले कोशिश करते हैं, देखते हैं निकाल पाते हैं या नहीं। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे आप पहले मल्टीप्लाई करते सारे कोफिशियंट को और फिर उसके बाद वेरिएबल को और लास्ट में वैल्यू पुट करके निकाल सकते थे, लेकिन ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, दोनों मेथड से कर लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 3/5 इंटू 2 स्क्वायर इंटू -1, ठीक है, और इधर कर लेते हैं -15/4 इंटू 2 हो जाएगा और इंटू -1 का स्क्वायर। फिर इधर क्या हो गया, 7/9 इंटू 2 स्क्वायर इंटू -1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, हमने वैल्यू डाल दिए हैं सारे। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 और -1 यानी कि -4 और इंटू 3 मतलब प्लस माइनस माइनस का 12/5, ठीक है। अब इधर क्या आ रहा है, यहाँ तो इससे तो कोई मतलब नहीं, ये माइनस माइनस तो प्लस 1 हो जाएगा, तो इसको छोड़िए। सीधा यहाँ देखते हैं, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 2 टाइम्स में, तो बचा क्या हमारे पास, -15/2 और इधर क्या है, 7/9 इंटू 2 2 जा 4, फिर ये आपका 1 होगा, तो कोई मतलब नहीं है, इसे मल्टीप्लाई करने पर भी सेम ही रहेगा। तो 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28, तो यहाँ हो जाएगा 28/9। अब देखते हैं कोई कैंसिल हो सकता है क्या, 5 से ये हो जाएगा 3 टाइम्स में, 3 से ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और फिर इस 3 से ये हो जाएगा 3 4 जा 12। अब इस 2 से ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स में, बचा क्या हमारे पास, -2 और -1, तो प्लस हो गया और इंटू 28, मतलब 28 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो 2 8 जा 16 का 6 और 2 2 जा 4 और 1 5, मतलब कि 5 56,
प्लस का 56, ये आपका आंसर निकल के आया। अच्छा, इसको मैं दूसरे मेथड से भी बताती हूँ आपको एक बार। अगर आप इसको पहले इसका पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तो क्या कीजिएगा आप, चलिए पहले हम कोफिशियंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3/5 इंटू -15/4 कर लेंगे, इंटू 7/9 कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और फिर इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। बस अब यहाँ देख लीजिए कुछ कैंसिल होगा, हो जाएगा बिल्कुल, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 5 से ये 3 टाइम्स में हो जाएगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 7/4, -1 है यहाँ तो माइनस का 7/4 बचेगा, ठीक है। और इधर क्या आएगा, इधर हो जाएगा x पर 2+1+2 यानी कि x टू द पावर 5, और फिर y पे 2 2 4 और 1 y पर भी 5। तो y का, अच्छा y की वैल्यू यहाँ थोड़ा फर्क कर देगी आंसर में, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। -7/4 करते हैं, और यहाँ 2 x = 2 है ना, तो 5 times 2 लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5, और जब आप 5 times -1 लिखोगे ना तो आंसर निकल के आएगा आपका -1, क्योंकि ये ऑड नंबर है, 2 -1 -1 मिलके प्लस हो जाएंगे, फिर 2 -1 -1 मिलके प्लस हो जाएंगे, 4 -1 खत्म, 1 -1 आपका रह गया, तो 1 -1 और 1 + 1 मिलकर बनेगा -1, ठीक है। तो इसे यहाँ पे हम छोड़ नहीं सकते, लेकर हमें चलना पड़ेगा। अब 2 से इसे कैंसिल कीजिए 2 times में, और फिर इसे भी कैंसिल कीजिए, अब ये क्या बच गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, और 8 7 जा 56, माइनस का 56 और माइनस का 1, यानी कि प्लस का माइनस माइनस प्लस 56 आंसर आ गया, ठीक है ना। तो आप प्रोडक्ट निकालने के बाद भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, और आप विदाउट प्रोडक्ट फाइंड आउट किए भी वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को इवैल्यूएट कर सकते हैं, जो हमें करना था, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। तो हमने इवैल्यूएट कर दिया है, और इसके साथ ही हमारा ये 6.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, अगर उससे पहले कुछ टॉपिक्स हैं समझने के तो मैं वो भी लेकर आऊँगी, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।